पुजारी, ओए पुजारी, मैं कहाँ मर गया? सनी देओल देख तो कहाँ चला गया ये पुजारी, दिख नहीं रहा कहीं पर ये तो। देख जरा कहीं आसपास चेक कर तो, कहीं कुछ करने गया हो। अबे रुक जा यहीं हूं मैं। हाँ कालादी गैंगस्टर जी, बताइए क्या हाल चाल है आपके, कैसे आना हुआ आज हमारी हवेली पर? तुझे एक काम बोला था ना पुजारी, कि मुझे पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और तूने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तुझे पता है मैं अभी मरते मरते बचा हूँ। देखें थोड़ा विस्तार से बताएं क्या हुआ है आपके साथ, तभी कुछ सोल्यूशन निकल पाएगा। और एक बात, आपके आसपास मुझे ना कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बहुत पहले एक बार एक रेड कमांडर को मारा था, और कुछ महीने बाद एक तोता मैना की जोड़ी को भी मारा था। वो दोनों दिखे मुझे आज। अभी मैं वीकेंडी में था, उन्होंने मेरा रास्ता भी रोका और बोले तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका, यमराज ने बुलाया है तेरे को और हम लेने आए हैं। फिर उन्होंने मेरा एक्सीडेंट भी करवाया। मरते मरते बचाऊँ मैं? वेट, आपके ऊपर सच में भूत प्रेत का साया है, दोनों सच में लेने आए थे आपको, अब आपको कोई नहीं बचा सकता उनसे सिवाय एक चीज के। क्या तरीका, क्या करना होगा बताओ मुझे। जो तुम कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, बस उनसे पीछा छुड़वाओ तो मेरा। आपको जरूरत है तपस्या की, आपको कहीं शांति वाली ऊंची जगह पर जाकर वहां पर भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, तभी आपकी तरफ से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो सकती है और कुछ कृपा हो सकती है, नहीं तो यमराज तो है ही। ये सही कहा, इससे थोड़े बहुत तो पाप कम हो ही जाएंगे मेरे। नोवो वाली पहाड़ी पर जाकर शांति से बैठकर तपस्या करता हूँ। चल सनी देओल। वाह वाह, क्या प्लान सोचा रेड कमांडर दोस्त। अब इसको वहीं पे मारेंगे उसी पहाड़ी से धक्का देकर। ऊपर से टुकड़े टुकड़े कर कर फेंकेंगे, मेरे को भी वही मारा था इसने, वहीं पे मैं भी वही मारूंगा इसको, रेड कमांडर की मौत का बदला तो लेना ही लेना है। ये जगह देखिए फैरो जी, ये जगह पहले उस एक्सूट वाले फैरो की ही थी जब वो यहाँ था। उसके बाद कोई नहीं आता जाता यहाँ, आप सेफ हो यहीं पर। वैसे भी आज का ही दिन बचा है आपके पास, फिर तो आपको हराने वाला कोई बचेगा ही नहीं। आप वापस से ताकतवर जो हो जाओगे। हाँ बस कुछ घंटों की और बात है, फिर होगा असली कमाल धमाल तो शुरू। हम करेंगे सबको ख़त्म और बनाएंगे एक नया फैरो वर्ल्ड इस BGMI की जगह, दी एंड ऑफ BGMI करके। जी सही कहा आपने। चलिए आप आराम कीजिए थोड़ा बहुत, मैं एक बार टेरर से बात करके आया, मुझे कुछ और काम है इससे। अंदर जाकर आराम करो आप। टेरर भाई बाहर आना तो जरा एक बार। अबे इतना जल्दी काले को कैसे लेकर आऊं यहां पर, वो तो पता नहीं कहां होगा। अगर यहां काला जल्दी नहीं पहुंचा तो इस फैरो को कैसे मारेगा वो। सही कहा, इस फैरो को मरना बहुत जरूरी है। इसको मारने के लिए तो उस बेचारे निर्दोष पोसाइडन को भी मारना पड़ा। हम ऐसे ही अपनी किंग की गद्दी नहीं छोड़ सकते इनके लिए। एक काम कर, तू अपनी पावर से मुझे काले के पास भेज दे, वो जहां भी होगा मैं वहीं जाकर बुला कर ले आऊंगा। हाँ गुड आइडिया, चलो अभी भेजता हूँ मैं। साला सब मेरी जान के पीछे पड़े हैं, बिना ये जाने कि मैं क्या कर सकता हूँ। इनको अब दिखाना ही पड़ेगा कि क्या कर सकता हूँ मैं। मुझे अपना थानोस वाला मोड ऑन करने पे मजबूर कर ही दिया इन लोगों ने। सबको ख़त्म कर दूंगा मैं, पूरे BGMI पे कोई भी प्राणी नहीं बचेगा सिवाय मेरे। बस 4 घंटे और, फिर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, सब ख़त्म हो जाएंगे एक चुटकी में। काला भाई जल्दी चलो, सिर्फ 3-4 घंटे बचे हैं। अगर इसके अंदर हमने उस फैरो को नहीं मारा ना तो वो आपको मार देगा। अब बाहर में जाए तू और तेरा फैरो, निकल यहाँ से। मैं तो वैसे ही मरते मरते बचाऊँ और तुझे उस फैरो को मारने की पड़ी है। मुझे नहीं मारना उसको, जा तू निकल यहाँ से। टेरर भाई आओ आओ, इधर आओ मेरे पास।
देखो आपका प्लान जो भी है वो नहीं कर सकते हम अभी अभी, बस काला बोस को मेडिटेशन करना है और डिस्टर्ब मत करो उन्हें। अबे मेडिटेशन सारी उम्र करते रहना, अभी कैसे भी करके उस फैरो को मरवाओ, नहीं तो वो किंग बन जाएगा और उसे कोई भी नहीं मार पाएगा, सबको हरा देगा वो। अभी कहाँ है वो फैरो, अगर उसे मारने चलें तो अभी हम। अबे तो उसे हम बातों में बहला फुसला कर मीरामार के ग्रह यार्ड में लेकर गए हैं, वहीं पर ग्रह बना देंगे उसकी। जाओ फिर तुम बना दो, हम नहीं साथ दे सकते इसमें अभी, जाओ निकलो। लगता है अब मेरा प्लान काम कर सकता है। रोक बेटा तू तो गया, अब जहाँ तेरा दिमाग ख़त्म होता है ना काम करना, वहाँ से हमारा शुरू करता है। अभी देखना तेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, मुझे पता है वो क्या करेगा अब तू। राहुल सुना क्या बोला उस काले के चेले ने, इसका मतलब उस एंशिएंट वाले फेरो से ज़्यादा ताकतवर अब कोई नहीं है। चल उसके साथ मिल जाते हैं जाकर, और उसको ये भी बता देंगे कि टेरर उसको धोखा दे रहा है, क्या पता अपना प्लान काम कर जाए और वो अपने को अपने साथ मिला ले। देख लेना मुझे गुड वाइब नहीं आ रही है ऐसा करने में, वो फेरो है सबसे ताकतवर, कुछ भी हो सकता है और हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, अभी देख ना तू, बस फेरो के साथ मिलकर कैसे उस काले को मौत के घाट उतार देंगे। सुनना एक ट्विस्ट हो रहा है, आने जाने का झंझट खत्म करते हैं, काले को भी वहीं बुला लेते हैं, मेरे पास एक प्लान है वहाँ बुलाने का उसको। पर कैसे? ऐसे अब देखना कैसे आएगा वो भागते भागते वहाँ पे। सनी देवल, सनी देवल ये क्या हुआ तुझे, किसने मारा, ये कैसे हो गया, यहाँ तो कोई है भी नहीं। सनी देवल मेरे चेले, मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे मेरी कसम, वापस आ जा यार मेरे यार, चल दोनों मिलकर उस फैरो को मारने चलेंगे, वापस आ जा, उठ जल्दी चल। नहीं उठेगा क्या, नहीं उठेगा, ठीक है मैं अकेला जाऊँगा और उस फैरो को मार कर आऊँगा, देखना अब तू मेरा कमाल, तू आराम कर यहीं पर, यहीं सो जा तू, अभी मैं आया उसको मार कर, अभी जाता हूँ मैं। फैरो तुझे मारने आ रहा है तेरा काल, और तेरे पूरे एंशियंट का नामो निशान मिटा दूंगा, काला दी गैंगस्टर नाम है मेरा। सब साले गद्दार हैं, टाइम पर बदल जाते हैं, नो वन कैन मैच माई फकिंग लॉयल्टी मैन, क्या होगा इस दुनिया का, मुझसे अच्छा धोखेबाज आदमी क्या मिलेगा इस दुनिया में कोई और। पर उस फैरो को कैसे हराएं, उसको मारना बहुत जरूरी है आज। ओ आइडिया, चलो लास्ट ऑप्शन ट्राई करता हूँ, एक्सूट वाले फैरो और ब्लड रेवन। वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हेलो ब्लड रेवन भाई, क्या हाल है? बढ़िया टेरर ब्रो, बता क्या काम है, जल्दी में है हम थोड़ा। जल्दी में हो, पर वो क्यों? एक जरूरी काम से मीरामार की कैब में जा रहे हैं, बस पहुंच ही गए हैं, तू बता जल्दी कुछ काम है तो, नहीं तो फोन रख। कैब में तो कहीं एंशिएंट वाले फैरो के लिए तो नहीं जा रहे हो ना, अगर उसी के लिए जा रहे हो तो वापस बढ़ जाओ, वहाँ नहीं है वो। तो कहाँ है वो, हम तो उसी से मिलने जा रहे हैं, जरूरी काम है उनसे। हेलो 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 भाई, आवाज नहीं आ रही ब्रो। अरे आवाज नहीं आ रही है, हेलो 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 हेलो। लगता तो है टेरर सच बोल रहा था, यहाँ है ही नहीं कोई, देख तो चारों तरफ कोई भी नहीं है, फुल सन्नाटा मचा पड़ा है पूरी केव में। एक काम कर, उसको वापस कॉल कर और मुझे दे फोन, मैं बात करता हूँ उससे। हेलो टेरर, फैरो बोल रहा हूँ। हाँ बोलना फैरो भाई, क्या हुआ बता। एंसेंट वाले फैरो को मारना चाहता है ना तू भी? हाँ मरवाना है, सही सुना है, अब तू बता मदद करेगा क्या हमारी? मदद? हम तो मार नहीं आए थे यहाँ, तू बता वो है कहाँ अभी, कितना टाइम बचा है उसको मारने में, हम मारने में हेल्प करेंगे। एक घंटा बचा है, अगर उसके अंदर वो मर गया तो ठीक, नहीं तो उसे कोई नहीं मार सकेगा, सबको मार देगा वो गन्ना चूस के। ठीक है फिर, ये तो बता है कहाँ वो? ग्रेवयार्ड में, तेरी पुरानी हवेली पर। आ जा तू वहीं पे, हम भी दोनों यहीं से जा रहे हैं, वहीं पे मिलते हैं। एंशिएंट वाले फैरो, तेरी कहानी तो अब ख़त्म होगी आज, बस तेरा आखिरी का एक घंटा जी ले तू, जैसे भी जीना है हम आ रहे हैं। सो गाइस कैसा लगा डेथ रूट वाला एपिसोड? तो सबकी, आप सभी को पता चल ही होगा, सब अपने अपने मौत के राह पे चल पड़े हैं, फैरो क्या करेगा अभी आगे देखना पड़ेगा लास्ट एपिसोड में। तो कल वाला एपिसोड लास्ट आएगा, इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है।